आज की शुरू मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज से लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या दिया, आपको मूलधन दिया है और दर दिया है, समय दिया है। तो पूछे कि आपसे साधारण ब्याज पूछे, तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना होता है 100 होता है। करने के इस फॉर्मूले पर आपके सॉल्व के लिए आपको क्या जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लोग लिख लेना एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, मूलधन कितना दिया ये 4000 है और दर कितनी दी गई यहाँ से 10% है और समय कितना दिया यहाँ से 2 वर्ष और पूरे का बटा कितना होता है 100। ये 00 से इसका ये 00 कैंसिल हो गया। अब करने के इसके इसमें गुणा कर लिए, अगर गुणा कर लेंगे तो 4 दुना कितना हो गया 8 हो गया। अब की कितनी जीरो बच गई, 1 2 जीरो बच गई, आप यहाँ से 2 जीरो इसके आगे लगा दीजिए, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि 4000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 800 रुपए ब्याज बनेगा। तो देखिये इसका कौन सा मैच करा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा। इसमें दिया क्या आपको, मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है। तो पूछा है कि आपसे सरल ब्याज मीन साधारण ब्याज आपसे पूछा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना पर यहाँ से 500 है और दर कितनी 1%, समय भी 1 है और पूरे का बटा कितना होता है 100 होता है। तो ये 00 से इसका ये 00 कट गया, अगर आप इन सभी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाए आपको 5 रुपए आपको मिल जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज कितना बनेगा 1% के हिसाब से 5 रुपए ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिया, आपको मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है। तो पूछा कि आपसे साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए समय किसमें दिया, आपको माह में दिया है, समय किसमें दिया माह में दिया है। तो जो भी समय दिया रहेगा आपको क्या करना, आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो समय का दिया किसमें माह में है, तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, आप 12 से भाग देंगे। अगर आप इसमें 12 से भाग देंगे तो आपको ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप यहां से लिख लिए SI बराबर मूलधन कितना है 500 रुपए है और अब क्या दिया आपको दर कितनी है 8% और समय कितना आपका इतना 6/12 या कह सकते 1/2 भी तो कर सकते हैं 1/2 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 00 इसका ये 00 कट गया, अगर मैं इसको यहाँ से काट दू तो 2 चौक 8 अगर इसका यहाँ से गुणा कर लिया कितना जाएगा 4 5 20 हो गया। अर्थात आप बता सकते कितना रुपए ब्याज बनेगा 20 रुपए ब्याज बनेगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा आपसे ये पूछा गया। इसमें आपसे पूछा क्या, समय पूछा है, तो क्या पता आपको दर पता है और ये आपको मूलधन दिया है और आपको ये क्या दिया ब्याज दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या, समय पूछा है, तो आपको देखिए इस फॉर्मूले में क्या पता है, ये पता है और ये भी पता है और ये भी पता है, आपसे पूछा ये, ठीक है। इसमें रख के सॉल्व कर लिया आपको क्या जाएगा आंसर है। हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, 1000 ये 80 हो गया बराबर मूलधन कितना यहाँ से 3000 रुपए, तो 3000 हो गया और दर कितनी दी गई 12% दी गई और समय आपसे पूछा गया, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए और पूरे का बटा 100 हो गया। ये यहाँ से 00 से इसका ये 00 कट गया, अगर मैं इसको यहाँ से काट दू कट गया, यहाँ से 12 9 108 अगर इसको यहाँ से काट दो कितने का 3 3 9। अर्थात आप बता सकते हैं कि समय बराबर आपको कितना पता चल गया 3 वर्ष, ठीक है। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अगर ये 5% के हिसाब से 6 वर्षों में इतना हो जाती है तो ये क्या है, मिश्रधन है। आप बता सकते ये क्या है, मिश्रधन। अगर ये मिश्रधन तो इसमें क्या शामिल होता है, मूलधन शामिल होता है और इसमें क्या शामिल होता है, ब्याज शामिल होता है। तो जो भी मूलधन होगा अपने आप पे 100% होगा और ब्याज कितना बन रहा है,
तो यहां से गुणा के लिए यहां से कितना ब्याज बन गया, 5×30%। कुल ब्याज कितना बन गया, 30% ब्याज बन गया। अर्थात आपको यह पता हुआ कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर एक वर्ष में 5% ब्याज बन रहा है तो अगले वर्ष में भी 5% बनेगा, अगले वर्ष में भी 5% बनेगा। तो इस तरह से 6 वर्ष में कुल कितना हो जाए, 5×30। आपको पता चल गया ब्याज कितना बन गया, 30% ब्याज बन गया। ठीक, ये क्या कैसे, अगर परसेंटेज की बात करी थी कुल कितना है, 130% है कि नहीं, क्योंकि मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। अगर परसेंटेज में देखा तो कितना है, कह सकते 130% है। इसमें करने के 130 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, 2600 में क्या करना, आपको 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। यहां से ये 0 से 0 कट गया और 13×26 हो गया। इसका यहां से गुणा के लिए कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। अर्थात आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना है, 2000 रुपए था। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति बैंक में से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, अगर 3 साल बाद वह इतने रुपए वापस करता है, मींस बैंक को क्या करता है, इतने रुपए वापस करता है, तो उसने कितना रुपया उधार लिया, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए जब ये वापस कर रहा था इसमें क्या शामिल है, जो रुपये उधार लिया था वो शामिल है और इसमें ब्याज भी शामिल है 3 वर्ष का। क्यों, तो कह सकते आपको ये क्या है, मिश्रधन है, ये जो है आपका क्या है, मिश्रधन है। अगर ये मिश्रधन तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और क्या शामिल है, ब्याज शामिल है। क्यों, यही तो शामिल है ना, तो मूलधन जो भी अपने आप में 100% है और ब्याज कितना बनाइए, 15% के हिसाब से ब्याज कितना बनाइए, इसे 15×45 कितना ब्याज बन गया, 45% आपका ब्याज बन गया। ठीक है, अगर ये 45% ब्याज बन गया, आप कह सकते ये टोटल कितना, 145% है क्या, इसमें करना है कि 145 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, इसका इसमें गुणा कर लिए 45% मिल गया, इसमें क्या मिश्रधन है, तो मूलधन भी शामिल और ब्याज शामिल, कह सकते 145% है, इसमें 145 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 145 से भाग देना और 100 से गुणा कर, अब देखिये 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो काट के छोटा कर दे रहे हम लोग। अगर यहां से काटा जाए कितनी में कटिए, तो 5×10 हो गया और ये 5×9=45 हो गया। ठीक है, यहां से काट दो कितना हो जाएगी, 5×1=5 हो गया, 2 इधर गया, तो 5×20 हो गया, 5×20 2 इधर गया, 5×25 हो गया। अब देखिए इससे में काट दो कितनी में कटिए, तो 5×5=45 हो गया, 5 बार में पूरा पूरा कटिए, 5 बार में ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। अब करने के इसके यहां से गुणा कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इन सभी का गुणा कर लें, ये 0 आपका बचा है ना, ये 0 आपका क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, इन सभी का आपस में गुणा कर ले, तो यहां से कितना आ जाएगी, 5000 रुपए आ गए। अर्थात आप बता सकते हैं कि उसने कितने रुपए बैंक से उधार लिया था, 5000 रुपए उधार लिया था। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। इसमें करना है क्या आपको, इसका इसमें गुणा करके 45% ब्याज हो गया, तो जो भी मूलधन हो अपने आप 100%, उन दोनों को जोड़ के इसमें क्या कर, इसमें 45 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपए 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, तो 4 वर्ष के पश्चात उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करें कि ब्याज कितना बना है। ठीक है, इसमें क्या पता है आपको, दर पता है, मूलधन पता है, समय पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दर यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से SI बराबर कितना आ जाएगा, तो मूलधन कितना आपका 15000 है, 15000 और दर कितनी दी गई है 5% और समय कितना दिए 4 दिए, पूरे का बटा कितना हो जाएगा ये 100। यहां से ये 00 से ये 00 कट गया, अगर मैं इसका गुणा करूं यहां से कितना, 5×20 हो गया, इसका इसमें गुणा कर कितना हो जाएगा, 15×30 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि इससे रुपए में देखा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, इतने रुपए का लाभ हो रहा है, यही तो ब्याज बना अगर रुपए में इतने रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन पूछा गया परसेंटेज में उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और इनटू क्या होता है, 100 होता है, प्रतिशत लाभ निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें आपको लाभ पता है, इसी लाभ को क्या बताना है आपको, रुपए में प्रतिशत में बताना है। तो आपको करना है किस पर रखकर सॉल्व, लाभ कितने को रहा 300 और जो क्रय मूल्य इसका क्या करेगा, यही जो इसका क्रय मूल्य का काम करेगा, तो बट्टा कितना हो जाए यहां से 1500 हो गया और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अगर इसको यहां से पूरा पूरा काट दो, 5 बार करिए, यहां से काट दो 5×10,
अर्थात आप बता सकते हैं कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। इसमें करना है कि आपको सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। अगर आपको ब्याज पता चल गया तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका ये फार्मूला होता है, तो लाभ हो गया बटे क्रय मूल्य का काम आपका ये करेगा, तो क्रय मूल्य और इनटू 100, इसको सॉल्व कर ले क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹500 तथा 4 वर्ष में ₹900 हो जाता है तो वह धन होगा, आपसे ये पूछा गया। इसमें दिया कि अगर कोई धन है साधारण ब्याज की 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, अगर ये इतना हो जा रहा है तो ये क्या आपका कह सकते हैं आप मिश्र धन दिया है, 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 4 वर्ष का मिश्र धन इतना है। तो जो दिया आप यहाँ पे लिख लीजिए, 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर कितना दिया यहां से ₹500 दिया है। फिर नीचे से क्या दिया, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया यहां से, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया यहां से ₹900, यही है ना। अब देखिए अगर मैं इसको यहां से घटा दू तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 वर्ष मिल जाएगा, 2 वर्ष मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहां से घटा दू कितना मिली मुझे, ₹400 मिल जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना पता चल गया आपको, 2 वर्ष का ब्याज ₹400। तो इसमें शामिल क्या है, जो ₹500 इसमें क्या शामिल है, अगर ये 2 वर्ष का मिश्रधन है तो मिश्रधन है तो इसमें क्या शामिल है, ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। लेकिन आपको पता चलिए 2 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, क्यों 2 वर्ष का ब्याज इतना, अगर इस ब्याज को मैं इसमें से घटा दू तो मुझे क्या पता चले, मूलधन पता चले कि नहीं पता चले, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें क्या है 2 वर्ष का मिश्रधन नहीं है, तो इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज आपको पता चल गया, तो यहां से घटा लीजिए कितना है यहां से ₹100। अर्थात आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना पता चलिए आपको ₹100। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास ₹100 है, मेरे पास कितना ₹100 है, और इसको ले जाके मैंने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, इसको बैंक में जमा कर दिया, ये 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ये 8 वर्ष में कितना होगा, ये 2 गुना हो गया। ठीक है, अगर ये 2 गुना हो गया तो इसमें क्या शामिल है, कह सकते इसमें जो मैंने ₹100 ले जाके जमा किया तो वो तो शामिल है और ₹100 ब्याज शामिल, इसमें क्या शामिल है, ₹100 मूलधन है और ₹100 ब्याज है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या पता चले, ब्याज पता चले कि नहीं पता चले, ब्याज कितना गया यहां से ₹100 ब्याज आ गया। ठीक है, तो पूछा कि आपसे क्या पूछा, इसमें दर पूछा है, तो दर बराबर क्वेश्चन मार्क्स, यही तो पूछा गया। तो फॉर्मूला आपको पता है साधारण ब्याज का, तो मूलधन गुणे दर गुणे बटा 100 होता है। करने के आपको क्या पता है, मूलधन पता है, ब्याज भी पता है, समय भी पता है, क्या करिए आप यहां से रख के सॉल्व करिए, ऐसा ही बराबर होता कि नहीं, तो ये ब्याज आपको पता चल गया ₹100 हो गया, ब्याज बराबर क्या, तो मूलधन, मूलधन कितना आपका ₹100 हो गया, और क्या दिया आपसे, दर पूछा गया, दर को इसी तरह से छोड़ दीजिए, समय कितना दिए 8 वर्ष दिए, और पूरे का बटा कितना है 100, ये 100 से 100 कट गया। अगर मैं इसको यहां से काट दूं कितने में कट गया, 12.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो दर आपको पता चली कितनी है, 12.5% वार्षिक है, दर कितनी पता चली आपको, 12.5% वार्षिक। तो देखिए कौन से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, क्या कहा गया, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का मीन्स मूलधन का 2/5 होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि माना मूलधन हमको पता नहीं, मान लें कि माना मूलधन कितना है, माना मूलधन कितना है ₹100, ₹100 जो ब्याज हो रहा है उस धन का कितना है, मूलधन का कितना हो जा रहा है 2/5 हो जा रहा है, आप यहां से निकाल सकते हैं ब्याज कितना बन रहा है, यहां से ब्याज बराबर कितना हो रहा है 100 का करने के 2/5 करना है। अगर मैं इसको यहां से काट दूं 5 × 2 = 10, इसका यहां से गुणा कर लिए तो कितना मिल गया ₹40 ब्याज बन गया। ठीक है, अब देखिए पूछा कि आपसे दर पूछा, तो क्या आपको पता चलिए मूलधन पता है और क्या पता आपको ब्याज पता है, समय पता है, तो क्या कर सकते हैं आप दर निकाल सकते हैं। तो यहां से इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, तो ब्याज बराबर कितना गया यहां से, मूलधन कितना यहां से ₹100, और यहां से दर आपसे पूछा गया, समय कितना दिए गए 10 वर्ष, और पूरे का बट्टा 100, ये 100 से 100 कट गया। अगर मैं इसको यहां से 0-0 काट दूं तो दर बराबर कितना पता चलिए आपको, दर कितना पता चलिए 4% वार्षिक। ठीक है, आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन से मैच कर रहा है 4% वार्षिक,
तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।